मैं सैयद हशमतुल्लाह खादरी कोटपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आम आदमी की पार्टी से मैं कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी में पहली बात करप्टेड नहीं है और ये आम आदमी पार्टी हर आम आदमी के साथ है और हर एरिया से जो है ये आवाम आवाज़ आ रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए। हम भी आम आदमी पार्टी का जो काम है देख करके बहुत उनके करीब से देखें कि आवाम के लिए जो आम आदमी बिल्कुल आम आदमी की तरह काम करे केजरीवाल जी को देख करके हम भी इसी पार्टी में आके इसी पार्टी के साथ काम करने का सोचे। और आम आदमी पार्टी जो है आपके जो सेटलर्स हैं हमारे जहाँ यूपी बिहार और उड़ीसा बंगाल यहाँ से बहुत सारे हैं उनकी आज अब तक भी आज कोई पहचान नहीं बनी और वो लोग भी आम आदमी की पार्टी के साथ हैं। हम उनके साथ रहेंगे और उनकी पहचान बनाएंगे। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, रोड पे सोते हैं, उनको मकान नहीं है। सिर्फ तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में डबल बेडरूम देते वो देते। अब ये बताइए कभी कोई सेक्टर्स के बारे में सोचा नहीं सोचा, ये आम आदमी पार्टी सोच रही है। आम आदमी पार्टी हर एक के साथ रहेंगी और उसमें कोई भेदभाव या कोई ऊंच नीच नहीं है। और आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो भी ये है कि हमारी पार्टी हुकूमत में आई तो हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले एजुकेशन को आगे लेके आएंगे। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरह जैसा दिल्ली में केजरीवाल जी करें उसी तरीके से हॉस्पिटल है। आज देखिए नीलोफर हॉस्पिटल में कई लोग जो है आके पढ़े हुए, रिक्रूटमेंट मिले तो बेड मिलता है वरना गरीब वहाँ पे ही पढ़े हुए रहते, झजकियाँ हो जाते, उनके बच्चे 6 महीने के हो जाते, उन्हें वही दवाखाने में पड़े। मैं अपनी आँखों से देखा और जाके बात करें तो मैं फला पार्टी का हूँ, मैं फला रूलिंग का आदमी हूँ, इस तरीके से डरा देते तो कब तक डरेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी आज आ चुकी है, अब हमारे को किसी से डरना नहीं है। हम आवाम के लिए काम करेंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे। सबकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। आप कामयाब होने के बाद में किस तरीके का काम अंजाम देंगे? कामयाब होने के बाद मैं एक MLA की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह रहूँगा और लोगों के साथ रहूँगा बिल्कुल आम आदमी की तरह। उनकी तकलीफ क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उनके करीब जाके देखूँगा। वरना मैं वादा करता हूँ अगर मैं ऐसा नहीं करा तो आवाम मेरे को कुर्सी मेरा MLA जिस दिन भी बोली भाई आप रिजाइन कर दो तो रिजाइन करना तैयार हूँ। अगर एक भी शिकायत आ गई।